यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरे प्लैनेट पर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चरल का इन्फ्लुएंस है इस देश का, और शायद इसी रीजन से यूएसए को ज्यादातर देश सुपर पावर भी कहते हैं। पर यूएसए ही एक सुपर पावर कैसे बना? यूएसए ने ऐसा क्या किया कि द ग्रेट ब्रिटेन और यूएसएसआर जैसे देश भी सुपर पावर नहीं बन पाए? तो इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। The leader of a vast, interconnected global system that has helped usher in an era of unprecedented prosperity and low levels of conflict. To understand America's position in the world and why it's so pivotal for world politics as we know it. और यही से शुरुआत हुई अमेरिका के इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। अब जैसे जैसे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था, वैसे वैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना शुरू किया। Territory on Earth with the largest military budget, they are the third most populated country in the world and the fourth largest country on Earth by land size. So it is fair to say they are a global superpower. You have to go back to the country's founding, back to when America wasn't a global power. तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। तो ये सब शुरू होता है सन 1800 में, जब अमेरिका की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर गुड्स और टूल्स पर स्विच हो गई थी। इस स्विच ने यूएसए को सुपर पावर बनने की एक अनुमति दी, और यूएस को सुपर पावर बनने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए थे वो अब बना सकते थे। और इस सब के बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे यूएस को सुपर पावर बनने के लिए वो थे वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर। 1917 ये वो साल था जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर वन में शामिल हुआ था। अब अमेरिका क्यों शामिल हुआ था उसका कुछ अच्छा खासा रीजन नहीं है। अमेरिका फ्रांस और ब्रिटेन के साथ साथ जर्मनी को हराने के लिए मदद कर रहा था। इस वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से ऐसी कोई वॉर ना हो, इसलिए द लीग ऑफ नेशंस को स्थापन करने के लिए यूएस ने मदद की थी। पर यूएस को खुद इस ग्रुप में शामिल नहीं होना था क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल रूल के हिसाब से नहीं चलना था, और इसके साथ साथ यूएस किसी और वॉर में शामिल नहीं होना चाहता था। पर इस सब के बाद भी वर्ल्ड वॉर टू हो ही गई। 1941 में जापान ने यूएस पर एक प्रीएम्प्टिव अटैक किया, जिस वजह से यूएस को वर्ल्ड वॉर टू में शामिल होना पड़ा। ए स्टेट ऑफ वॉर हैज एग्जिस्टेड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द जापानीज। यूएस ने जर्मनी, फ्रांस और इटली को हराने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर को ज्वाइन किया। पूरे वॉर के दौरान अमेरिका ने अपने आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। दुनिया भर में ब्रिटिश एयरबेस को यूज करने का अधिकार प्राप्त किया, खुद को दुनिया भर में डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का एक सपोर्ट मानते हुए वचन लिया। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसी वर्ल्ड वॉर टू में जापान के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन भी अमेरिका ने ही यूज किया था। वर्ल्ड वॉर टू के डिस्ट्रक्शन के बाद सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, द ग्रेट ब्रिटेन और यूएसएसआर, ये तीन ही देश सबसे पावरफुल देश बचे थे। पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, वैसे ही यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, और तब तक ब्रिटिश एम्पायर भी कोलैप्स हो चुका था। कोल्ड वॉर में दोनों देश एक दूसरे से हर एक मामले में आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी बीच 1991 में यूएसएसआर भी कोलैप्स हो गया, और उसके बाद यूएस ही एक अकेला और आखिरी पावरफुल देश बच गया था। यूएस को अब कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, इसलिए यूएस को एक सुपर पावर माना जाता है। दोस्तों, ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऐसे ही नॉलेज लेते रहिए।